ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भागलपुर में गंगा का कहर ऐसा टूटा है कि गांव के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। सबौर प्रखंड का मसाड़ू गांव में गंगा का कटाव अब भी जारी है। कई घर तो गंगा में विलीन हो चुके हैं, कई विलीन होने की कगार पर हैं। गंगा किनारे कई परिवार घर खाली कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग घर के सामान से लेकर ईंट तक लेकर जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जल संसाधन विभाग मसाड़ू गांव को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। जिंदगी भर की मेहनत गंगा में विली। आंखों के सामने डूब गया आशियाना। खत्म होने पर है मसाड़ू गांव का वजूद। 8 साल में जिस घर को खड़ा किया, उसी घर को तोड़ने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, इसकी हम और आप तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हिम्मत उनसे पूछिए। घर बनाने हमको 8 साल लग गया, मेहनत मजदूरी करते हुए। थोड़ा थोड़ा भीटा लाए, थोड़ा थोड़ा सीमेंट लाए, थोड़ा थोड़ा छरी लाए, ऐसे घर बनाए। घर बनाने हमको ओके करने 5 साल समय लग गया। गंगा के इस रौद्र ने मसाड़ू के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है। कई घर तो विलीन हो गए और कई घर विलीन होने के कगार पर खड़े हैं। आंखों के सामने अपने घरों को गिरते देख ये महिलाएं फफक पड़ी। गंगा नदी का बढ़ता और घटता जलस्तर सबौर के मसाड़ू के लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ा है। लगातार यहां पर घर के घर कटकर गंगा में विलीन हो रहे हैं। आज भी कई घर गंगा में समा गया। तस्वीर देखिए, मंजर देखिए, कटाव का किस तरह से है और यह दर्दनाक मंजर है। कहीं ना कहीं एक एक मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ कर लोग यहाँ पर घर बनाते हैं। यहाँ घर सब देखिए गिर गए, कहाँ जाएंगे हम लोग, सब चीज बह गया पानी में, कुछ नहीं बचा, कहाँ हम लोग रहेंगे। मसाड़ू के 2 वार्ड का वजूद मिट चुका है। कहिए कि गंगा में विलीन हो गया, अब मसाड़ू गांव का अस्तित्व डूबने की कगार पर खड़ा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। जो घर बच्चे हैं वह खाली करने को विवश हैं और यहां से खाली करके रोड पर शरण ले लेंगे, लेकिन सरकार ने अब तक इनकी एक नहीं सुनी है। तो जरूरत है सरकार इनकी सुने, क्योंकि यह भी उनके वोटर हैं, यह उनके ही बिहार के लोग हैं और यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के भागलपुर के मसाड़ू के रहने वाले हैं। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।